ये हैं कानपुर के बर्रा इलाके के रहने वाले अवधेश कुमार कौशल, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं मगर सपने बहुत हैं और साथ ही दिल में जुनून है उन सपनों को पूरा करने का। मूल रूप से फरुखाबाद के गुरसहायगंज के रहने वाले अवधेश कुमार केंद्रीय अरमापुर विद्यालय नंबर 2 में जूलॉजी के शिक्षक हैं। पत्नी नीरजा और 3 बेटियों के साथ अवधेश कुमार की खुशियों भरी जिंदगी में दुख की छाया उस वक्त आन पड़ी जब वर्ष 2015 में रेटिनाइटिस पिगमेंट बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मगर अवधेश कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में जाकर ट्रेनिंग ली और अपनी जिंदगी के अंधेरों को अपने सुनहरे सपनों से रोशन करने यानी PCS परीक्षा की तैयारी करने में जुट गए। इसको हमने आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है हमारे पास और मोबाइल में भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके सहारे हम सुन करके अपना सारा काम कर सकते हैं, तो इसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। ट्रेनिंग ली इसके लिए स्पेशली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में और वहाँ से फिर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार अपने आप को और अच्छा और शानदार बनाता चला गया। अवधेश की इच्छा शुरुआत से ही सिविल सेवा में जाने की थी। जब जीवन में अंधकार हुआ तो उनकी पत्नी नीरजा ने उनके जीवन में उम्मीदों की रोशनी भरी। वो हर वक्त उनकी आंखों की रोशनी बनकर परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद करती। उस वक्त मैं साथ में इनके जो पढ़ाई वहाँ पे पढ़ाया जाता था उसको साथ में राइट लिखती थी मैं उस चीज़ को और फिर घर पे आकर के उसी चीज़ को इनको पढ़ करके सुनाती थी। घर में भी सबका सहयोग मिलता था पढ़ाई को लेकर के, कोई कभी भी मतलब कोई कैसी भी बात नहीं होती थी। उनकी पत्नी आती थी उनको साथ लेकर, उनकी पत्नी उनके लिए यहाँ लिखती थी, वो क्लास में ध्यान से नोट सुनते थे और क्लास सुनते थे। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उनका जो आयोग के चेयरमैन है प्रभात कुमार, उनके बोर्ड में इंटरव्यू थी और इस बार उनको एक अच्छा पद प्राप्त हुआ, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी। उनका नेचर भी ऐसा है, समाज सेवा के प्रति उनके मन में बड़ी रुचि है, तो बाबा कृपा से उनको पद भी ऐसा ही प्राप्त हुआ। अवधेश कुमार को 2016 में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। अब दिव्यांग कल्याण अधिकारी के रूप में चयनित हुए अवधेश की दिली इच्छा दिव्यांगों की मदद करने की है। अवधेश को देखकर दिव्यांगों में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। समाज में जो दिव्यांगजन है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए तमाम योजनाएं आती हैं, तमाम तरीके के वजीफे आते हैं, तमाम तरीके की पेंशन स्कीम्स हैं, तमाम तरीके की और जो को उनके लिए पढ़ाई में सहूलियतें हैं, तो वो उस वास्तव में सही तरीके से उनके हाथ पहुंच नहीं पाते। तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए जो मेरे हाथ में होगा, जो मेरा कार्य क्षेत्र होगा, उस कार्य क्षेत्र में मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ उनके कल्याण के लगा रहूँगा। इस तरह आँखों की रोशनी खोने के बाद जहाँ कुछ लोग हार मान कर बैठ जाते हैं, वहीं अवधेश ने अपने हौसलों को टूटने ना दिया और वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।